ये क्या है ना, घी नहीं, इनको घी पसंद नहीं है, फिर लगा भी नहीं सकती, कहेंगे मुझे इसमें ये बर्तन शाम। मैंने बनाई है बाजरे की रोटी, आज इनको भी बाजरे की रोटी खिलाती हूँ। मैंने कहा बाजरे की रोटी खाओ, बच्चे स्कूल चले गए तो फिर मन नहीं किया आटा लगाने के लिए ना। मैंने कहा क्या एक रोटी, एक दो रोटी के लिए आटा लगाऊंगी, तो मैंने कहा चलो एक रोटी खा लो यार, एडजस्ट कर लो आज, मतलब बाजरे की रोटी इनको भी एक खिलाऊंगी, एक मेरी एक इनकी है, और साथ में चाय। ये तो चाय लेंगे नहीं, और मेरे को चाय बहुत पसंद है, मैं तो चाय लेती हूँ। इनकी वजह से ना रोटियों में मैं घी नहीं खा सकती। ये क्या है ना, घी नहीं, इनको घी पसंद नहीं है, फिर लगा भी नहीं सकती, कहेंगे मुझे स्मेल आ रही है, वोमिटिंग हो जाएगी। इस चक्कर में फिर मैंने भी अपनी सिंपल रोटी रखी है, वरना मेरे को बाजरे की रोटी के अंदर घी पसंद है, घी होना चाहिए दबा के इसमें, जब तक रोटी में से घी ना निकले ना, जब तक अच्छा नहीं लगता। अब ये क्या है, अभी नहीं खाएंगे तो भाई फिर क्या फायदा, मैं इनका रहने देने का मूड खराब हो जाएगा। इस चक्कर में मैं भी ऐसे सिंपल ही खा लेते हैं, चलो कोई नहीं, कभी कभी चलता नहीं, आज साथ में रुके हुए हैं तो मैंने चलो ठीक है साथ में खा लेते हैं, कभी कभी ये मौका मिलता है तो वो मौका नहीं गंवाना चाहिए, साथ में खा लेना चाहिए, टाइम का कुछ नहीं पता जिंदगी का, तो ठीक है जो भी टाइम है यार, अच्छे से अपना निकल जाए, अच्छी बात है ना। तो बस वही खाना खा लेते हैं जी, मिलते हैं फिर आपसे। देखो तुम्हें सारे मालूम कितने ऐसे ही करना है इसमें, ठीक है ओटी खाने, मेरे बच्चा को कुकू को ओटी खानी है। इसको क्या है ना, इसको मटर बहुत ज्यादा पसंद है, ग्रीन मटर, मतलब जो हरे मटर होते हैं ना, इसको बहुत ज्यादा पसंद है, उसमें दिख जाएंगे कि एक एक निकाल निकाल के तब मटर खा जाएगी सब्जी में से। कुको भैया रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, फिर मैंने इसको दूध बना के दिया, और मैंने कहा चलो फिर एक तरफ मैंने रोटी बनाई, देख लो कुकू की शरारत है, जो कि कभी कम नहीं होती, आजकल गुस्सा और नहीं खाती है बहुत ज्यादा। कुकू हेलो बोल दो, हेलो कुकू, हाय बोलो, हे कुकू, लो जी आप भी खा लो। कुकू कुकू ए कुकू इधर आओ, भाई आज नीतू भी नहीं आई, तो मैंने ही फोन किया था उसको, मैंने कहा कब तक आ रही है, लेट हो गया, तो मेरे को लग ही रहा था, पता नहीं टाइम देख के ना कि नहीं आएगी शायद, तो फिर मैंने उसको ना फोन किया था, तो कहती भाभी मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है, तो मैंने कहा बुखार आया तो बता देना ना, थोड़ा इंसान खुद कर लेता है, अब क्या है मैं उसके भरोसे बैठी थी, चल ठीक है आएगी, क्योंकि लेट ही बुलाती हूँ मैं उसको, सुबह में जल्दी नहीं बुलाती, क्योंकि ये लेट निकलते हैं और इनका कोई टाइम टेबल तो है नहीं, जब इनका मन होता तब निकलते हैं, तो इसलिए ना मैं उसका टाइमिंग मैंने लेट ही रख रखी है,
तो अभी क्या ना वो नहीं आई है। मैंने कहा अभी तो फिर अभी हमारा कहीं जाने का प्लान हो गया था, तो मैंने कहा अब तो क्या कल ही करूँगी, अब जो भी है, लेकिन वही बर्तन शाम को करूँगी। अब वही काम रह जाता है ना, क्योंकि पहले से वो मेरे को इन्फॉर्म कर देती तो मैं जल्दी से फटाफट कर लेती, तो वही अब क्या है अब करूँगी फिर शाम को करूँगी भाई जो भी है। थोड़ी झाड़ू तो मैंने निकाल दी है और कुकू को ये कुकू को नहला दिया, बच्चे भी आ गए, वो ट्यूशन चले गए और भाई मैं भी नहा ली, तो ये बोलते हैं कहीं जाने के लिए, तो भाई देखते हैं कहाँ जाते हैं। और भाई ठीक है, बड़ी वाली का तनुष्का का मेरी का उसका बर्थडे भी है ना 20 अक्टूबर का, तो देखती हूँ उसके लिए कपड़े अपने दिलवा देती हूँ। उस दिन तो उसे पसंद नहीं आए थे, उस दिन तो कहती मम्मा मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो अब तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो कुछ दिन बाद आ जाना फिर, तो वही उसको लेके जाना है। और चलो आज चलते हैं, आपको अपना शोरूम दिखाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रुपेश वर्मा व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड एंड फाइन, आई एम आल्सो गुड। सो गाइस, वी आर गोइंग टू आवर शोरूम, सो लेट्स सी सी इन फ्यू मिनट्स। अरे गाइस, ये BMW को क्या हो गया भाई? BMW, we are in front of you now. Guys, which mall is it? कौन सा मॉल रेडी है? ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स ने खुद का खोल लिया ना। बहुत जल्दी कवर कर लिया इसने तो। एंड यहाँ पे M3M के ज्वेल्स है, यू कैन इवन सी इट। अभी जस्ट इट्स इज वर्किंग, इट इज ऑन वर्क। कार वहाँ पे हमने वहाँ पे पैक कर दी, कुछ दिख गई होगी। तो अभी वहाँ पे कृष्णा मार्केट में अभी हम जा रहे हैं बाय वॉकिंग, क्योंकि ना वहाँ पे स्पेस नहीं है, वैसे बहुत बीचे बीचे स्पेस है। तो अभी ना MG रोड के पास कृष्णा मार्केट वहाँ पे आए हैं, यहाँ इन सारा मॉल, तो यहाँ की मार्केट है, काफ़ी क्राउड रहता है बैठा यहाँ पे, क्योंकि मारुति कौन से पहले हम यहीं पर इस एरिया के पास रहते थे, तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। यहाँ बहुत टाइप के स्टॉल, आपको हर टाइप का स्टॉल मिल जाएगा, लाइक एवरी स्टोर। यहाँ पे विपिन स्टोर भी आ गया, स्टोर एंड बेकर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ क्राउड। आपको यहाँ पे ना बहुत सारे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, ड्रेसेस के हर टाइप की चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर, एक पूजा का सामान, ऑल द थिंग्स आर यू नीड यू विल गेट इट फ्रॉम इट। टॉय शॉप भी है यहाँ पर, हर चीज़ है, you get all the things, they're available everything for you, vegetable stall hai, and piche to aur bhi us side dekh sakte ho, us side bahut sara bahut bada stall hai aage, yahan pe aapko beginner mil jayega, so I'll see you when I reach my showroom, to wo aapko ek board dena na, wo board hai metal electronic world, guys us pahunche hain office in front of you, Meta Electronics World. So guys, due to some reason हम आपको अपना शोरूम दिखा नहीं पाए, एक तो पावर कट हो गया था, सो फिर लाइट नहीं आता, तो हाउ विल आई शो यू। एंड कृष्णा मार्केट में भी बहुत लेट हो गया था, एंड अभी डैडी हमें लेके जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स, पहुंच गए बस मैकडॉनल्ड्स। डैडी वन वे है ना, ये है ना वन वे तो है, ये टर्न होके वापस वहीं जा रहे हैं। इतना लंबा कट दे रखा है वहां पे जाके, बहुत लंबा कट है गाइस। मैकडॉनल्ड्स एरिया सर रेडी है गाइस, मेरे को कोई मैकडॉनल्ड्स आ गया, खाएगा अपने फ्राइज़ है ना कुकू। गाइस लड़की को बस कुकू फ्राइज पसंद है, फ्राइज और इसको इतना स्पाइसी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको लिटरली। और एलिस सो रहे हैं गाइस, उठिए सर। डिलीवरी मिलेगी 2 बजे तक है ना, नहीं 24 घंटे ओपन रहता है,
3 बजे तक ओपन रहता है तो ये इसकी डिलीवरी 12 बजे तक होती होगी। अरे अरे नहीं अमेज़न, जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो कितने टाइम पे भी आ सकते हैं। गाइस एलिस देखो क्या कर रहा है भाई, चल खड़ा यार। यार नहीं डैडी देखो उसको, एलिस सीरियसली यार, यार मम्मा बोलो मम्मा को, यही तो है डैडी, लॉक कर दो एसी बंद कर दो। एलिस वी आर गोइंग डैडी जान दो, हम हमारा खर्चा नहीं होएगा, जा बैठ जा। अरे ये लेना डैडी ले दो, इतना आलसी है। तो गाइस आ गए हैं, चलो आई एम लविंग इट। क्या कह रहे हो, क्या क्यों हंस रहे मम्मी, तूने सारा अपना फेस चॉकलेट में खा कर खुद मैडम बनना होता, देख लो उतरी गई चढ़ी उतरी गई चढ़ी बस तुमको, चलो 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 तुमको देखो कहा, बस आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स। कितने बैठना है, हाँ जी मम्मी किधर बैठना है, वो अलग जगह बैठेगी गाइस। गाइस कुकू यहाँ पे भी देख लो, इसकी सजा रहते हैं यहाँ पे भी है ना, ऐसे ही करती है। कहाँ जाना है बाबा, इसको भी हैंड वॉश करना है, इसको भी कॉपी करती है ना, ये कॉपी करती है तुरंत। वहीं पे जाना है, कॉपी करती है ना हर चीज, कॉपी करती है, देख लो इसको। चलो इसने मुंह बना रखा है, नहीं तो मुंह बनाने का रीजन क्या है भाई, का कुछ भी क्या है तुम्हारा, कुछ भी ऐसे ही होता है, हाँ तुम्हारा सिस्टम हैंग हो रहा है। सिस्टम है रहता था, ये क्या लिख रहे भाई, अर्विश यादव का भाई फ्रेंड है, फैन है उसका, सॉरी इसको देख लो भाई क्या कर रहा है जी। लड़की कहीं पे इसको चैन नहीं आने वाला, देख लो कहीं पे भी चली जाती है कुकू, हर जगह इसकी मस्तियां स्टार्ट हो जाती है, ये देख लो एक चेयर पे सब उसपे कुकू, कुकू कुकू देखो कुकू कुकू
तो सही है ना, तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। हाँ, आप पतली हो जाऊंगी। जाकर थोड़ी शांत हुई, इसके डैडी आए, नहीं तब से इसने हंगामा मचा रखा। तनुष का को इसने भगा के आज पतला कर दिया। वैसे नॉर्मली तो तनुष का घर पे रनिंग करती नहीं है, लेकिन कुकु की वजह से आज इसकी थोड़ी सी रनिंग हो गई। और कुकु तो भैया से ही करती है, यही मतलब दिया आपको तो। मौका क्या है, सही तो है ना। कुकु को बहाने चल ठीक है, तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज तो हो गई तुम्हारी। देख लो भाई, मैं खाना वाना हो गया, मतलब सबने खा लिया, अब जा रहे हैं घर के लिए निकल। मैं हर कुकु की मस्ती चल रही है, देख लो रनिंग की थी। और वो भी कुकु की वजह से, कुकु को थैंक यू बोलना चाहिए तेरे को, पता है इससे। ये देख लो मेरी कुकु ना बहुत समझदार है, अभी भी टाइट पे है, अभी जंप से रही है। वो आ जाओ for watching our video. If you like the video, press the like button, subscribe to the channel, share with your family members and friends. Bye bye, see you next video.